मुंबई की लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है और इस समय हम लोकल ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आज हम आपको सैर कराएंगे मुंबई की मोनोरेल का। मुंबई में मोनोरेल का नेटवर्क कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए अभी हम लोकल ट्रेन में हैं। लोकल ट्रेन से हम जाएंगे मोनोरेल के स्टेशन तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हम आपको उसकी सैर कराएंगे। फ़िलहाल हमने बोरीवली से ट्रेन ली है और बोरीवली से हम दादर तक आएंगे। दादर स्टेशन पर उतर के हम थोड़ा पैदल चलेंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं दादर, आगे हम बढ़ते हैं। दादर स्टेशन उतर के आपको ईस्ट साइड का एग्ज़िट लेना है। हम सभी जानते हैं कि मुंबई में लोकल ट्रेन के स्टेशन पे ईस्ट और वेस्ट दो एग्ज़िट होते हैं। आपको जहाँ जाना है, जिस हिसाब जाना है, उसके हिसाब से आप ईस्ट या वेस्ट का एग्ज़िट ले सकते हैं। तो मुंबई में एड्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये पता लगा लें कि दादर में ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है। इसी तरह से मुंबई शहर के दूसरे स्टेशन पर भी और दूसरे इलाकों में भी आप ये बात लागू कर सकते हैं, जैसे अंधेरी ईस्ट या अंधेरी वेस्ट, बांद्रा ईस्ट या बांद्रा वेस्ट। अगर आपको ये मालूम है कि आपको ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आसानी से आप उन जगहों पर जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो हम इस समय दादर ईस्ट में आ चुके हैं। दादर ईस्ट में हम थोड़ा वॉक करते हैं तो देखते हैं खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। दूरी पर चलेंगे जहाँ से पुणे की टैक्सी या बसेस मिलती हैं, आपको देखेंगे तो कॉर्नर पर ये चाय की दुकान है। ये चाय की दुकान बहुत ही अच्छी है, छोटी सी नुक्कड़ पर चाय की दुकान लगा रखी है उन्होंने। हमें तो इन भाई साहब की चाय बहुत पसंद आई। अगर आप जाते हैं मुंबई दादर ईस्ट में तो आप यहाँ पर चाय पी के आइए और हमें बताइए कि आपको इनकी चाय कैसी लगती है। दादर बस अड्डे के पास का इलाका है और आप यहाँ से देखेंगे तो बस का भी स्टॉप भी आपको नज़र आएगा। ये देखिए बिल्डिंग है, इसके नीचे आपको बस स्टॉप नज़र आ रहा है। ये इसी के थोड़ा आगे चलेंगे तो लेफ़्ट साइड पर एक कट है, जहाँ से मुड़ेंगे तो हमें जय महाराष्ट्र का ये कॉर्नर पर दिख जाएगा। यहीं से सीधे आगे चलेंगे तो नायगांव मोनोरेल स्टेशन आएगा, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा दूर है, करीब है 500 मीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अच्छा, मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लिंक रोड या अंदर की सड़कों पे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं होता है। मतलब हैवी व्हीकल्स वगैरह अंदर की सड़कों पे नहीं आते हैं, ज़्यादातर हाईवेज पे ही रहते हैं। बहुत रेयरली मैंने ऐसा देखा है कि हैवी व्हीकल्स सड़क पर अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रैफिक की ईज़ है कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं। फुटपाथ की अवेलेबिलिटी तो है ही लगभग हर जगह, तो एक तरह से सेफ भी है मुंबई बाकी बड़े शहरों की तुलना में। यही थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके हम पहुंच गए मोनोरेल के स्टेशन। मोनोरेल स्टेशन जब आप आते हैं तो पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद में आपका बैगेज वो चेक करते हैं, मशीन के थ्रू चेक हो जाता है। उसके बाद में आपको ऊपर आ करके ट्रेन पकड़नी होती है। ये देखिए ट्रेन आ रही है, लेकिन ये ट्रेन हमारी नहीं है, दूसरी दिशा में ट्रेन जा रही है। हमारी ट्रेन जो आएगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगी और हम जाएंगे लोअर परेल तक, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत हम मुंबई शहर भी दिखा सकें। ठीक है, जब ये मोनोरेल जाएगी तो हमारी आएगी। हमारी मोनोरेल आने में थोड़ा टाइम लगा, हमने करीब 15 मिनट का इंतज़ार किया जिसके बाद मोनोरेल हमारी आई थी। आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है और ये मोनोरेल आ गई है। और अब हम इस मोनोरेल में बैठ जाएंगे और आपको अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से अंदर का क्या रूप है, प्लस बाहर शहर कैसा दिखता है। मोनोरेल बेसिकली चेंबूर के इलाके में, दादर के इलाके में चलती है और इसके कुल 17 स्टेशन ही हैं, एक ही लाइन है। और पहले प्लान था कि इसको बड़े स्तर पे लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब हम आ गए हैं मोनोरेल के अंदर। मोनोरेल के अंदर आकर के आप देख सकते हैं कि बाहर की चीज़ें कैसी दिखती हैं, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे ये है तो आप आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। इमारतें यहाँ पर बहुत सारी हैं, मुंबई इमारतों का शहर है। जो गरीब हैं वो झोपड़पट्टी में, झुग्गी में रहते हैं। थोड़ा सा बेहतर स्थिति है तो चौल में रहते हैं, चौल से बेहतर स्थिति है तो फिर फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और फिर अगर बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो वो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और अच्छे हो जाते हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK तक पहुँच जाते हैं। या फिर लोग बंगला भी ख़रीद लेते हैं, बंगले में भी रहते हैं, लेकिन बंगले में रहने वालों की संख्या यहाँ बहुत कम है और ज़्यादातर लोग बिल्डिंग्स में ही रहते हैं। हम इस समय मोनोरेल में हैं। मोनोरेल की औसत स्पीड जो होती है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और टॉप स्पीड ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 19 किलोमीटर में है और इसके 2 ट्रैक कुल हैं और इसके 10 व्हीकल हैं। हर ट्रेन में 4 कोच इसमें होते हैं। टोटल डेली राइडरशिप इस ट्रेन की 10,000 से 17,000 है। मोनोरेल महालक्ष्मी ईस्ट में संतगाड़ के महाराज चौक से लेकर के चेंबूर के बीच में चलती है। सरकार ने पहले प्लान किया था कि इसको आगे बढ़ाएंगे और मुलुंड, गोरेगांव, बोरीवली के लिए भी एक मोनोरेल बनेगी। सीब्स, कांजुर मार्ग, लोखंडवाला, थाने, मीरा भाईंदर, दहीसर, इन सबको मोनोरेल से जोड़ने का प्लान था। और फेज़ 2 में कल्याण, उल्लासनगर, डोंबिवली और चेंबूर, घाटकोपर, कोपर, खैराने,
वहाँ पे सिलफाटा, कल्याण, यहाँ तक कि मोनोरेल का डिज़ाइन पूरा सोचा गया था कि यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मेट्रो में ही लाया जा रहा है और मेट्रो रेल का विकास बहुत तेज़ी से मुंबई में हो रहा है। मुंबई में मेट्रो का जाल बड़े स्तर पर फैल रहा है, तो लोकल ट्रेन जो है उसको एक तरह से सपोर्ट करेगी मेट्रो रेल, और मेट्रो रेल का अच्छा खासा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है। बहुत जल्दी बाकी सारी जो हैं लाइंस वो भी चालू हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि मोनरेल को तो ये अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आगे जो होगा वो तो हमें पता चलेगा ही। और इन सब बातों के साथ में हमारा स्टेशन आ चुका है और हम पहुंच चुके हैं लोअर परेल। लोअर परेल में हम आ गए हैं और हमारी ट्रेन अब जा चुकी है, और मोनरेल को हम कर देते हैं टाटा बाय बाय, और हम अब अपने सीढ़ियों के रास्ते और फिर लिफ्ट के रास्ते नीचे पहुँच जाएंगे। और जब नीचे पहुँचेंगे तो हमको देखेगा लोअर परेल का स्ट्रीट मार्केट। इसी बाज़ार से हम आगे बढ़ेंगे और साइड साइड चलते चलते आगे बढ़ेंगे फुटपाथ के ज़रिए, तो हम पहुंच जाएंगे लोअर परेल स्टेशन। लोअर परेल स्टेशन से हम अपनी ट्रेन ले लेंगे, तो हम देखें यहाँ पर जा रहे हैं और धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। फ्लाईओवर अब हमको नज़र आ रहा है और हम पहुंच गए हैं लोअर परेल स्टेशन। यहाँ से हम वापस अपनी ट्रेन ले लेंगे बोरीवली के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए। अगर फेसबुक पर आप इसको देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।